जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जनवरी महीने से लेकर मार्च 31 तक जिन राशि के जातक के सगाई शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। वर्तमान समय से लेकर पूर्व तक ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही केपी की वाणी पर जानकारी दी जाती है। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में आपको जिन राशि के जातक के 31 मार्च तक शादी सगाई के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इनमें 7 राशियां शामिल हैं, ये गुरु के राशि परिवर्तन से और शुक्र के राशि परिवर्तन से इनके कैसे योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप विवाह कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ए से लेकर जेड तक, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं, कुंडली बनवाते हैं या विश्लेषण कराते हैं या फिर आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसमें आपको न केवल यह जानकारी प्राप्त होती है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, इसके अलावा आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, अंतरदशा, ये तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएंगी और आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं, वहां पर नंबर उपलब्ध है। वहीं अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अगर आप विवाहित हैं तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अगर पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की अनबन है तो आप कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसी अनबन क्यों आ रही है और उसका आप निवारण करा सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरी शादी हेतु जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें, आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी दूसरी शादी कब तक हो सकती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वास्तु उपाय बता देता हूँ। वास्तु उपाय का ख्याल रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आप वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो आप विवाह में आ रही बाधा से निजात पा सकते हैं। तो विवाह वार्ता के लिए जो घर आए अतिथियों को किस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई न दे। तो जब भी विवाह हेतु रिश्ते आते हैं तो यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब आ रहा है तो कमरे के दरवाजे का रंग लाल अथवा गुलाबी रखें। सोने योग्य जो है पलंग के नीचे कोई भी बड़ी बर्तन खाली टंकी बंद करके ना रखें, कोई भारी वस्तु भी पलंग के नीचे ना रखें, इससे जो है वास्तु दोष लगता है। पलंग के नीचे लोहे की वस्तुएं या व्यर्थ की वस्तुएं ना रखें। यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाहे तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार हो कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पलंग पर जो है बिछावन पर जो पीले रंग की चादर आप इस्तेमाल करें, पीले रंग के तकिए का इस्तेमाल करें या पीले रंग के कवर भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर जितना पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो उतना ही गुरु मजबूत होगा और उससे फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर आप लड़की हैं तो पीले वस्त्र आप गुरुवार के दिन अवश्य धारण करें। हल्दी जिसे संस्कृत में हरिद्रा भी कहते हैं वो भगवान गणेश को अति प्रिय है, भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, उनका भी रंग पीला है, शुभ रंग उनका पीला है, यानी भाग्यशाली रंग जो आपके लिए होगा वो पीला ही होगा। तो आप इन चीजों का अवश्य ख्याल रखें तो इससे जो है विवाह के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं, उन 5 प्रकार के दोषों का आप विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर विश्लेषण करा लेते हैं तो फिर आपके कुंडली में अगर कोई दोष लगता है और आप उसका निवारण करा लेते हैं तो फिर आपके विवाह के योग बनने लगते हैं, तत्काल से ही बनने लगते हैं। अगर काल सर्प दोष पे तो दोष लगता है तो महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर में जो है इसका निवारण कराया जाता है। इसके अलावा स्थानीय जगहों पर भी जो है प्राचीन शिव मंदिर में इन दोषों का निवारण
करा सकते हैं। अगर आप में आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है तो आइए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं राशि परिवर्तन के बारे में। तो 25 दिसंबर को जो है राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र, और शुक्र जो है प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। बुध जो है वृषभ राशि में 28 दिसंबर को प्रवेश करेंगे। इसके अलावा सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु वर्तमान समय मेष राशि में, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में विराजमान है, चंद्रमा हर सवा दो दिनों पर अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो 25 दिसंबर को जो है शुक्र गोचर करेंगे वृषभ राशि में 18 जनवरी तक, 18 जनवरी को फिर धनु राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी तक रहेंगे, फिर 12 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और 7 मार्च तक रहेंगे, 7 मार्च को फिर गोचर करेंगे ये कुंभ राशि में और 31 मार्च तक रहेंगे, 31 मार्च को ये फिर गोचर करेंगे मीन राशि में और 24 अप्रैल तक ये मीन राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, आपकी शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है, और इसी दौरान इन 7 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी के मध्य वृषभ राशि के जातक के योग हैं। अगर आपके आयु 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य हैं और आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। बात करें आप शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ प्रेम संबंध में रहने पर प्रेम विवाह के योग बनेंगे। वहीं आपकी इन नामों में से ही किसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। विवाह सी राशि से करें तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली राशि धनु है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है तो आपके लिए शुभ योग है, और महीना जो है फरवरी और मार्च का तो प्रबल है ही। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो इस महीने में आपकी शादी होने के 100% योग है। हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। इसके अलावा कच्चे दूध से उसमें केसर मिलाकर दक्षिणावर्त जो शंख है उससे जो है आप भगवान विष्णु का जो है अभिषेक करें तो इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक से ही इनके विवाह के योग हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, मीन राशि के जातक के साथ प्रेम संबंध में हैं तो यह ज्यादा उत्तम होगा। 12 फरवरी तक जो है वो धनु राशि के जातक, और फिर 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च यानी शिवरात्रि तक जो है मकर राशि के जातक में शुक्र का गोचर होगा, तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो भी जातक हैं मकर राशि के उनके लिए 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विवाह के योग हैं, और महीना जो है जनवरी का भी महीना है और मार्च तक भी योग है। शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दे, इससे शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। इस नाम के लड़के और लड़की की जो शादी है वो एच नाम के जातक, वाई नाम के जातक के साथ होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि शादी अगर कुंभ और मीन राशि से हो तो ज्यादा उत्तम है। इसके अलावा 7 मार्च से 31 मार्च तक जो है वो शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेगा, तो इस दौरान मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और रिश्ते आगे भी बढ़ सकते हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। तो आपको करना क्या है, अगर मीन राशि की जातिका हैं तो तुलसी के पौधे के नीचे घी के दीपक प्रतिदिन संध्या काल में अवश्य जलाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग प्रबल है। विवाह अगर मेष राशि से हो तो ज्यादा उत्तम होगा अगर आप मीन राशि के जातक हैं। वहीं 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है कुंभ राशि में ही शुक्र का गोचर रहेगा, और 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेंगे। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो मार्च के महीने में आपके लिए शुभ योग है। उस 25 दिनों में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं, सगाई हो सकती है, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, परिणय सूत्र में भी बन सकते हैं। हालांकि उस महीने में विवाह मुहूर्त बहुत कम है तो इसका आप स्थानीय पंडित ज्योतिष से विश्लेषण कराकर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते। तो शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना शुभकर होता है कुंभ राशि के जातक के लिए। वहीं अगर आप शिवजी के अनन्य भक्त हैं तो शिवजी की पूजा अवश्य करें। हालांकि आपके आराध्य भगवान शिव ही हैं तो कच्चे दूध से उनका अभिषेक अवश्य करें। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 7 राशि के जातक हैं जिनके विवाह के योग जनवरी से लेकर 31 मार्च तक है, तो इस दौरान आपकी शादी सगाई होने के योग बन रहे हैं।
जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लीजिए इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।